Welcome to Arhan Entertainment. हाय दोस्तों, अरहान एंटरटेनमेंट में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे हॉटस्टार पे रिलीज हुई एक वेब सीरीज हॉस्टेजेस का। तो यार, काफी मेरे दोस्तों ने कमेंट करके कहा था कि भाई इसका एंडिंग एक्सप्लेन करो, हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए इस वेब सीरीज को देखकर। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जितनी ये कंफ्यूज वेब सीरीज थी और जितना इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स इस वेब सीरीज में था, इस वीडियो में यानी कि हमारे वीडियो में इतना कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। मैं सीधे साधे शब्दों में आपको जो भी कंफ्यूजन है वो आपको दूर करूंगा। तो कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब मैं आपको इस वेब सीरीज में यानी कि इस वीडियो में दूंगा। तो यार, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो, और अगर आपको हमारे वीडियो जरा भी पसंद आता तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे भी क्लिक कर देना, क्योंकि बेल क्लिक करोगे तो मैं रोज जो वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल ये है कि संजय को सब मालूम होने के बावजूद भी वो उन लोगों को यानी कि पृथ्वी यानी रोनित रॉय को और उसकी टीम को अपने घर में आने की इजाजत क्यों देता है। तो काफी लोग सोच रहे थे यार, उसको मालूम होने के बावजूद ऐसा भी क्यों करता। तो यार, सबसे उसका जवाब यही है कि संजय, जैसे कि आप लोगों ने इस वेब सीरीज में देखा होगा, काफी परेशान रहता है अपने कर्जे को लेकर। काफी लोगों से कर्जा लिया होता, इनफैक्ट वो अपने घर को भी गिरवी रख दिया होता। तो वो पृथ्वी उससे कहता है कि यार, तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं इसके बदले में तुमको पैसे दूंगा। तो सिर्फ पैसों की वजह से वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल ये है कि गायमा के पास वो सीसीटीवी फुटेज आया कहां से और उस वीडियो में वो औरत कौन है। तो यार, इसका जवाब ये है कि जो फुटेज गायमा ने देखी थी उसमें वो औरत कौन है, इसका जवाब हमें एपिसोड 7 में मेंशन किया गया था कि यार वो फुटेज लगभग 30 साल पुरानी है और पृथ्वी और सभा यानी पृथ्वी और सभा यानी पृथ्वी की वाइफ सभा की एज की माने तो लगभग वो 30 साल के करीब करीब उन दोनों की एज है। तो इस फुटेज से कंफर्म ये होता है कि उसमें पृथ्वी की वाइफ सभा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये लेडी कौन है, इसका जवाब तो हमें खुद गायमा भी पूरी की पूरी वेब सीरीज में ढूंढती हुई नजर आई थी। उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि रोनित रॉय अपनी वाइफ सभा को सीएम की तरफ इशारा करके क्यों कहता है कि योर फादर एस कम। फिर इसका जवाब यह है कि एपिसोड 10 में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सीएम की सर्जरी से पहले डॉक्टर आनंद भी सेम फुटेज देखती है। वो सर्जरी से पहले सीएम से पूछती है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहता है कि 3। फिर भी दोबारा वो पूछती है कि बस सीएम बस इतने ही, तो सीएम कहता है कि जहां तक मेरी जानकारी तो मेरे सिर्फ 3 ही बच्चे। और इसी एपिसोड के एंड में जब पृथ्वी अपनी वाइफ सभा को सीएम की तरफ इशारे से कहता है कि योर फादर हैज कम, तो वहां से ये क्लियर हो जाता है कि उस वीडियो में जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि सभा की मॉम ही थी। तो चौथे और सबसे अहम सवाल की जो काफी लोगों को इसका जवाब समझ में नहीं आता, तो उसका सवाल ये है कि रोनित रॉय जब सीएम को मारना ही नहीं चाहते तो वो बच कैसे गया। तो उसका जवाब ये है कि भाई एपिसोड 1 में आनंद की फैमिली के कुत्ते रोनाल्डो को मरा हुआ दिखाया गया था, फिर भी वो एपिसोड 10 में अचानक से जिंदा बताया गया। अगर आपने गौर से देखा होगा तो वही ड्रग था जो पृथ्वी ने डॉक्टर आनंद को दिया था सीएम को मारने के लिए। पर इसके अलावा 10 एपिसोड 10 में हमें जब वो वार्ड बॉय सीएम को लिफ्ट से लेकर जाता है, वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, वो सेम इंजेक्शन हमें डॉग रोनाल्डो के पास भी मिलता है। उससे ये कंफर्म होता है कि जो ड्रग्स सीएम को दिया गया था वही सेम ड्रग रोनाल्डो को भी दिया गया था, और उसी ड्रग से कुछ वक्त तक इंसान को मारा जा सकता है। लेकिन जब वो एंटीडोट यानी कि उसका एंटीडोट यूज करते हैं, वो इंजेक्शन जो वार्ड बॉय लिफ्ट में सीएम को मारता है, सेम वही इंजेक्शन डॉग को भी मारी जाती है और वो दोनों इंजेक्शन की वजह से वापस दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि वो सीएम जिंदा कैसे हुआ, जब उसके पास वो ड्रग था जिससे वो उससे मार सकते थे तो उनके पास एक और ड्रग था जिससे वो उनको बचाया भी जा सकता। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि वो किस वजह से बच चुके हैं। अब इसके बाद जो ऐसे सवाल जिसका जवाब तो यार मेरे पास भी नहीं है, और आई थिंक इसके सवालों के जवाब हमें सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। तो पहला जवाब ये है कि गायमा के पास वो फुटेज कहां से आई और वो उसके बारे में क्यों पता कर रही थी, और दूसरा सभा की ऐसी हालत किसने और क्यों की, तीसरा सवाल सभा की मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल से गायब क्यों हुई, उसकी पीछे की वजह क्या थी। तो ये सारे सवाल के जवाब तो भाई मेरे पास भी नहीं है, और ये सारे सवाल के जवाब मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीजन 2 में ही देखने को मिलेंगे। ये वेब सीरीज अपने आप में ही इतनी ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर थी कि यार लोगों को काफी पसंद आया। लोगों का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स था इसका,
रिव्यू देखकर तो यार मुझे ऐसा लगा कि यार लोगों को काफी पसंद आई और लोगों ने जो मांग की थी कि इसका एंडिंग एक्सप्लेन कर, तो कुछ हद तक मैंने आपको सीधे साधे शब्दों में जो समझाने की कोशिश की, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसके अलावा आपके कुछ और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते, मैं उसके भी जवाब दूंगा। हाँ, और एक और एंगल है जो सुब्रमण्यम और पृथ्वी का, तो वो एंगल भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यार अगर आप लोग को उसके एंगल के बारे में जानना तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहा। तो इस वीडियो में इतना, अगर आपको हमारे वीडियो जरा भी पसंद आता तो हमारे चैनल को यानी अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करो और जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस करो। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।